शहरों की बड़ी बड़ी और एयर कंडीशन दुकानों में लोगों की ये कतारें शॉपिंग के बाद बिलिंग के लिए अपनी बारी के इंतजार की हैं। बिलिंग के दौरान हर किसी से पूछा जाता है, सर कैरी बैग लेंगे? कई लोग बिना सोचे समझे ही हाँ में सिर हिला देते हैं, बिना ये जाने कि वो कैरी बैग जिसके लिए आपसे 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक वसूले जा रहे हैं वो आपको फ्री में मिलना चाहिए था। लेकिन हर ग्राहक अपने अधिकारों से अनजान नहीं होता और यही ग्राहक इन कंपनियों पर भारी पड़ जाता है। पंचकुला के सौरभ कुमार भी बिग बाजार जैसे बड़े रिटेल स्टोर चेन के लिए ऐसे ही ग्राहक साबित हुए। सौरभ बिग बाजार खरीदारी के लिए गए थे। पेमेंट काउंटर पर सौरभ से कैरी बैग के लिए पूछा गया। कैरी बैग के लिए सौरभ से 18 रुपए मांगे गए, जिसके बाद सौरभ ने कैरी बैग के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। सौरभ ने इसकी शिकायत चंडीगढ़ SCDRC में कर दी, जिसके बाद कमीशन ने बिग बाजार पर 11,518 रुपए का जुर्माना लगा दिया। कमीशन ने अपने आदेश में बिग बाजार को फटकार भी लगाई। कमीशन ने कैरी बैग फ्री में न देने को सेवा में कमी करार दिया। कैरी बैग के मामले में कंज्यूमर कमीशन क्या कहता है और ग्राहक के तौर पर आपके क्या अधिकार हैं, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दुकानदार या रिटेलर कैरी बैग के पैसे नहीं मांग सकता। ग्राहक को पेपर बैग के पैसे देने के लिए मजबूर करना गलत है, ये कंपनी की खराब सर्विस को दिखाता है। पेपर कैरी बैग कंपनी को मुफ्त देना चाहिए, सुविधा के लिहाज से ग्राहक को बैग देना चाहिए। बैग के पैसे लेना सेवा में कमी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने ग्राहकों से कैरी बैग के लिए पैसे मांगे हों और ग्राहकों की शिकायत के बाद कंज्यूमर कमीशन ने इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया हो। बिग बाजार के अलावा डोमिनोज पर 10,500, लाइफस्टाइल पर 13,000, वेस्ट साइड पर 13,000 और बाटा पर भी 10,000 का जुर्माना लग चुका है। तो अगली बार अगर आपसे कोई कैरी बैग के पैसे मांगे तो उसे इन कंपनियों के बारे में जरूर बता दीजिएगा और कैरी बैग के पैसे मांगने का अंजाम भी समझा दीजिएगा, क्योंकि ये 5 या 10 रुपए के बैग का सवाल नहीं है बल्कि आपकी जागरूकता का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।